प्रश्न, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है, कहते बाबा के ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे कैसे होगा इस ज्ञान का बीज अविनाशी? जो बाबा का ज्ञान जिसके कानों में पड़ गया, चाहे वो फिर कहां भी चला जाए, कितना भी देर लग जाए, वो बीज फूटेगा जरूर। वो उसे दुनिया के किसी भी सत्संग में, किसी भी उसमें जाकर रियलाइज कराएगा, ये झूठ है, वो सच। चला जाए, कहीं चला जाए, परंतु उसे समझ में आएगा कि जहां मैं आया हूं ये सारे झूठ, एक बाबा की श्रीमत ही सच है, उसे रियलाइज होगा। ये एक ऐसा ज्ञान का बीज है। इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। इस ज्ञान से कौन सी राजधानी स्थापन होती है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। वे राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती हैं, बल बीच में छोड़कर चली जाएं, फिर वे अंत में आ जाएं, क्योंकि बीज सुनने, ज्ञान सुनने के लिए मिलेगा ही उनको, और ये ज्ञान सुनेंगे सब। अविनाशी बीज है, और ये अविनाशी बीज हर आत्मा को मिलना है, हर आत्मा ने ये ज्ञान सुनना है, और हर एक आत्मा हर कल्प आकर इस ज्ञान को सुनकर अपने आप को उस स्टेज तक पहुंचाएगी जिस स्टेज पर वो परम धाम से इस धरती पर आए। तो ये ज्ञान क्या हो गया? ये ज्ञान का बीज जो है पड़ा है, वे आ जाएगा, जो नहीं जा ही नहीं सकता। ये बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती, आना ही पड़ेगा। हर आत्मा को इस अविनाशी ज्ञान के आधार पर हर कल्प क्या करना है? अपना उत्थान करना है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। आप कितना बनाएगा ये उसका अपना पुरुषार्थ। गीत।